हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसटीडी मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और आरटीआई मींस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वीटी वेनरल डिजीजेज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मींस एसटीआई। दिस डिजीजेज ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, मेल एंड मेल, फीमेल एंड फीमेल, प्लस एनल एंड ओरल सेक्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोकेटेड या सिचुएटेड इन द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू बाई द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो नाउ स्टार्ट एसटीडीज। तो दीज आर कॉल्ड एसटीडी, आरटीआई, वीडी, एसटीआई, डिफरेंट नेम्स। दिस इंडिकेट्स द डिफिनीशन ऑफ एसटीडी, कि डिजीजेज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एसटीडी, वीडी, आरटीआई, एटीसी। अब हम लोग देखते हैं कि नेम ऑफ एसटीडी, जैसे कुछ नाम है सिफिलिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनासिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड AIDS। इट इज ए सम इम्पॉर्टेंट STDs, मैंने दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट STDs इंक्लूडेड इन योर NCERT बुक्स। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या कि इसके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से STD हैं, उसके बाद कौन से ऑर्गेनिजम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब काउजेटिव एजेंट्स उसको कहा जाता है। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, फंगस हो सकता है। उसके बाद कहता है कि जो आरटीआई और एसटीडी है, इसमें थोड़ा सा समझना है कि ऑल आरटीआई इज एसटीडी बट ऑल एसटीडी आर नॉट आरटीआई। इससे समझना है क्या कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, माने वैसा इन्फेक्शन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, वह सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है, ठीक। लेकिन सभी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को ही इफेक्ट करे। जैसे कुछ डिजीज ऐसे हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी हो सकता है, प्लस जो ब्लड के द्वारा होते हैं इंजेक्शन, नीडल, सिरिंज, इसके द्वारा भी हो सकते हैं। एड्स या HIV है, तो यह जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज कर देता है, वह ट्रांसमिटेड होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, बट दे आर नॉट इन्फेक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। दे आर इन्फेक्टेड टू द, या दे वीकेन द इम्यूनिटी सिस्टम, दे किल हेल्पर टी सेल्स, यानी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हेल्पर, उसको मार देता है। तो वही कहते हैं कि जितने भी RTI है, माने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, वो STD है, लेकिन जितने भी STD है आर नॉट RTI, माने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन सभी से नहीं हो सकता है। यही देखेंगे, प्लस और इसमें देखेंगे क्या कि कौन क्यूरेबल है और कौन नॉन क्यूरेबल है, ठीक। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अंतिम पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो रिप्रोडक्टिव जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। तो अब हम लोग एक चार्ट बना करके इसका स्टडी करेंगे। तब तक इतना लिख लीजिए इसका डिफिनीशन, उसके बाद एक चार्ट बनेगा, चार्ट के द्वारा हम लोग उसको समराइज करके पढ़ेंगे।
अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीज है एसटीडी, उसका नाम यहाँ पर एक चार्ट बना दिया गया है, इसी को हम लोग देखेंगे चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम ऑफ डिजीजेज, कॉजेटिव एजेंट्स या पैथोजेंस, ऑर्गेनिजम्स, एसटीडी या है या आरटीआई है, और क्यूरेबल है या नॉट क्यूरेबल है, उसको ठीक किया जा सकता है इस रोग को या नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट जो डिजीज है जिसको हम लोग कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस जो डिजीज है यह किस ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रिपैनीमा पैलिडम। ट्रिपैनीमा पैलिडम ये उस बैक्टीरिया का नाम है। तो देखिए बैक्टीरिया है ट्रिपैना पैलिडम, डायग्राम में यही है। ये क्या है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है? तो ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस किस तरह का डिजीज है? तो बैक्टीरियल, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके बाद यह जो डिजीज है एसटीडी एंड आरटीआई, मतलब दोनों है, पहले भी बता चुके हैं कि ऑल आरटीआई आर एसटीडी बट ऑल एसटीडी आर नॉट आरटीआई। तो इसका मतलब कि ये दोनों है, एसटीडीज भी है एंड आरटीआई भी है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी है। उसके बाद इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योर मतलब कि अगर यह डिजीज अर्ली डिटेक्टेड हो गया, समय से डिटेक्ट हो गया और प्रॉपरली ट्रीटेड किया गया तो इसको ठीक किया जा सकता है, माने ये क्या हो गया, क्यूरेबल हो गया। तो ये क्यूरेबल हो गया। अब सेकेंड जो है डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं गोनोरिया, गोनोरिया जो डिजीज है यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसको निसेरिया गोनोरिया कहते हैं। निसेरिया गोनोरिया एक पैथोजेन है, मतलब इस रोग के कारक हैं। पैथोजेन्स का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। यह भी क्या है, किस तरह का है? तो यह भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। उसके बाद यह भी एसटीडी और आरटीआई दोनों है, एसटीडी भी है और आरटीआई भी है, और इसको भी ठीक किया जा सकता है। कब ठीक किया जा सकता है? तो अगर अर्ली डिटेक्टेड हो गया और प्रॉपरली ट्रीटेड करेंगे तो ये भी क्यूरेबल हो गया। ठीक, तो दो डिजीज में देख लीजिए, निसेरिया गोनोरिया, देखिए ये बैक्टीरिया है निसेरिया गोनोरिया जो लगा हुआ है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज में, क्लेमाइडियसिस। क्लेमाइडियसिस जो डिजीज है यह किस एजेंट्स के द्वारा होता है? तो यह जो है क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस इसके द्वारा होता है। यह भी क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद ये क्या है, आरटीआई या एसटीआई? तो ये दोनों है ना, ऑल आरटीआई आरएसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को ही इन्फेक्शन करते हैं और दूसरे ऑर्गेन को इन्फेक्शन नहीं करते हैं, और इनको भी क्या किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। तो इतना हो गया कौन सा डिजीज, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज।
तीन गो हो गया ये, उसके बाद फोर्थ नंबर है ट्राइकोमोनियासिस, ये एक ट्राइकोमोनियासिस जो होता है एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस वेजिनेलिस। देखिए ट्राइकोमोनियासिस वेजिनेलिस वहां पर डायग्राम में, तो ये ट्राइकोमोनियासिस भी एक डिजीज है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये होते हैं, यानी ये RTI है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। तो यह भी क्या हो गया ट्राइकोमोनियासिस वेजिनेलिस क्या हो गया, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ या इसको हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं, सब एक सेल का ही, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। यह भी क्या है STD और RTI है, और ये भी क्यूरेबल है, इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो यह हमारा जो ये डिजीज हो गया, कौन सा डिजीज हो गया, प्रोटोजोआ का। अब हम लोग देखते हैं वायरस के द्वारा कौन कौन सा डिजीज होता है, चार हो गया। फिफ्थ नंबर में जेनाइटल वार्ट्स जो होते हैं यह आपको HPV वायरस के द्वारा होता है, जेनाइटल वार्ट्स यह वायरस है क्या, HPV मतलब ह्यूमन पैलियोमा वायरस, इसका फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन पैलियोमा वायरस, यानी एक तरह का ये कौन सा डिजीज है, वायरस डिजीज, मानी ये एक तरह से वार्ट्स हो जाते हैं जेनाइटल ऑर्गेन पर या कुछ अदर पार्ट पर भी, ये एक तरह से वार्ट्स टाइप का हो जाता है, मस्सा टाइप का हो जाता है, जो HPV वायरस के द्वारा होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ये भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को इफेक्ट करता है। यहाँ देख रहे हैं कि ऑल RTI आर STD बट ऑल STD आर नॉट RTI, अब देखेंगे आगे। और इनको भी क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, कब ठीक किया जा सकता है, जब अर्ली डिटेक्टेड हो जाए और ट्रीटेड प्रॉपरली, तो ये भी आपको ठीक किए जा सकते हैं। तो यह डिजीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिक्स जो डिजीज है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस जो है आपको हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस HSV इस वायरस का नाम है, एक वायरस है। यह भी क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और ये भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को इफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपको, ये भी है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स नॉट क्यूरेबल, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। दिख रहे हैं सबका डायग्राम तो लगा हुआ है। अब सात नंबर में देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है,
हेपेटाइटिस बी वायरस का मतलब क्या हो गया कि यह एक तरह का वायरस हो गया। अब यह जो डिजीज है, अब यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि यह एसटीडी है लेकिन आरटीआई नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लेकिन ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को इन्फेक्शंस नहीं करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्शन नहीं करता है। तो इसीलिए बोले हैं कि ऑल आरटीआई आर एसटीडी बट ऑट एसटीडी आर नॉट आरटीआई। तो ये क्या है? एसटीडी है और ये क्या हो गया? आरटीआई। तो आरटीआई ये नहीं है और इसको भी क्या किया जा सकता है? नॉट क्यूरेबल, इसको भी ठीक नहीं किया जा सकता है। और अंत में एचआईवी या एड्स, तो यह जो है वायरस के द्वारा होता है, ये जानते हैं रेट्रोवायरस, पुराना वायरस है। ये कौन सा है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। तो क्लियर हो गया कि यह भी एसटीडी है यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, प्लस ये ब्लड के द्वारा इंजेक्शन के द्वारा ये ट्रांसमिटेड हो सकता है लेकिन ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को इफेक्ट नहीं करता है। बाद में जब एड्स पेशेंट हो जाएगा, दूसरा इन्फेक्शन हो जाएगा ये सब डिजीज, तब जा करके वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये एसटीडी है लेकिन आरटीआई नहीं है, ये भी आरटीआई नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो इसे क्लियर क्या हो गया कि ऑल आरटीआई आर एसटीडी बट ऑल एसटीडी आर नॉट आरटीआई, ठीक ना? क्लियर हो गया। और इसको भी नॉट क्यूरेबल, इसको भी ठीक नहीं किया जा सकता है। तो इस टेबल में हम लोग देख लिए क्या कि तीन बैक्टीरिया के द्वारा, एक प्रोटोजोआ के द्वारा और चार यहाँ पर वायरस के द्वारा, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनायासिस, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी या एड्स, ये सब देख लिए। अब इसमें किस के द्वारा, कौन कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, किस प्रोटोजोआ के द्वारा, किस वायरस के द्वारा होता है, और ये आपको इसमें दिया गया है। अब आप देख लीजिए कि क्या इसमें एक पॉइंट है, अभी बोले हैं क्वेश्चन भी है कि ऑल आरटीआई और आरटीआई इज एसटीडी। अब ये आप ऑल आरटीआई इज एसटीडी बट ऑल एसटीडी आर नॉट आरटीआई, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि जो हेपेटाइटिस बी और एड्स हैं ये एसटीडी है बट आरटीआई नहीं है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन नहीं करता है, बाकी करते हैं। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या है, एसटीडी का सिम्टम क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सिम्टम क्या है। तो इसका सिम्टम जो है, अब इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है सिम्टम को। एक है अर्ली सिम्टम्स, यानी जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जब इंटरकोर्स के बाद इन्फेक्शन करता है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देगा? तो ईचिंग होगा ना, खुजली होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में, मानिए समझ जाइए कि आपको कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो है इन्फेक्टेड कर दिया है। उसके बाद फ्लूड डिस्चार्ज होने लगेगा, स्लाइट पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा उस सब ऑर्गेन में, रिप्रोडक्टिव जो जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं उसमें ये सब लक्षण सिम्टम्स दिखाई देने लगेगा। उसके बाद कहता है कि कुछ फीमेल्स एसिम्प्टोमैटिक हो सकती हैं, है ना, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन एसिम्प्टोमैटिक, ए माने नहीं, सिम्टम माने लक्षण, मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा।
या हल्का फुल्का दिखाई देता भी है तो यहाँ पर वो क्या होते हैं कि जो सोशल स्टिग्मा है, जो सामाजिक जो भ्रांति है, उसके कारण उसको दबा करके रखता है। माने एसटीडी जो है वो अर्ली स्टेज में, जब ये अर्ली स्टेज में ईचिंग फ्लूइड डिस्चार्ज ये सब होता है तो कुछ फीमेल जो है इस लक्षण को दबा देती हैं, क्योंकि उसमें कुछ सामाजिक इस तरह से मिथ्स या स्टिग्मा डेवलप हो रहते हैं जो उसको मना करते हैं, वो शो नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर उसको अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए इनिशियल स्टेज में तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन लेटर यानी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बाद में चल करके। और क्या कॉम्प्लिकेशन होगा उस फीमेल में, तो देखिए लेट सिम्टम्स में PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज का मतलब हो गया क्या, देखिए वो डायग्राम में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया इंटर कर जाएगा और भी इंटर करके वहाँ पर जमा हो जाएगा यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में, ये सब जा करके और म्यूकस वहाँ पर ग्रोथ करने लगेगा और ग्रोथ करके वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करेगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब कि पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ईचिंग होगा, रेडनेस होगा, यानी दर्द करेगा। पेल्विक रीजन का मतलब होता है कि आपको बिलो एब्डोमेन एंड अपर थाई का जो पार्ट होता है, तो इसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज कहा जाता है, PID कहा जाता है। तो यही धीरे धीरे बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, इसलिए क्या हुआ कि वो पहुंच गया अब इंटरनल ऑर्गेन्स में पहुंच गया और वहां जाकर के आराम से है, इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, फिर भी हम लोग केयर नहीं कर रहे हैं, वो फीमेल केयर नहीं कर रही। अच्छा हो रहा है दर्द तो होने दीजिए। तब क्या हो गया कि धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी होने लगेगा तो ये सब उसमें लक्षण लेटर कॉम्प्लिकेशन होने लगेगा, जैसे एबॉर्शन हो जाएगा। इसके कारण जब अनट्रीटेड हो गया ये STD तो वही धीरे धीरे क्या करेगा, एबॉर्शन कर सकता है, स्टिल बर्थ कर सकता है, यानी मरा हुआ मृत शिशु जन्म हो सकता है, ठीक ना, समय के पूर्व बच्चे जो है मरे हुए जन्म ले सकते हैं। उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखिए डायग्राम में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है, इंडोमेट्रियम यूटेरस में होता है, लेकिन इसमें कहाँ होगा, अदर पार्ट ऑफ यूटेरस, जैसे फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन हुआ है वहीं पर वो डेवलप होने लगेगा एम्ब्रियो, या सर्विक्स में। तो ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रेगनेंसी अकर्स आउटसाइड द यूटेरस, शरीर के बाहर नहीं, यूटेरस के बाहर, जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गया, सर्विक्स हो गया, वहाँ पर इसका प्रेगनेंसी, इसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि उस डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद इनफर्टिलिटी हो सकता है और कैंसर, और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में कैंसर हो जाता है, अल्सर हो सकते हैं, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो अब देखेंगे कि कुछ और सिम्टम्स है जो कि आपको कुछ साइन और सिम्टम्स में दिखाई देते हैं, जो कि अब हम दिख रहे हैं। देखिए इस चार्ट में आपको ये दिखाया गया है, इसमें जो चार्ट में दिखाया गया है तो इसमें आपको देख रहे हैं कि एक तरफ मैन और वोमेन में आपको कंपैरिजन किया हुआ है कि इसका साइन और सिम्टम्स क्या है। तो मैन में देखिए ग्रोइन पेन, ग्रोइन पेन का मतलब वही होता है कि जो पेल्विक पार्ट होते हैं यानी बिलो एब्डोमेन और अपर थाई का जो पार्ट होता है उसको ग्रोइंग पार्ट कहते हैं, तो उसमें पेन होता है। उसके बाद बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिन जब डिस्चार्ज करेगा उस समय जलन होगा, बर्निंग करेगा, मिल्की डिस्चार्ज होगा, उजला रंग का स्राव सिक्रीशन होगा पेनिस के द्वारा। उसके बाद इरिटेशन अराउंड ओपनिंग ऑफ पेनिस, पेनिस के चारों तरफ जो है इरिटेशन होगा। उसके बाद टेस्टिकुलर पेन एंड स्वेलिंग, टेस्टिस में पेन होगा या स्वेलिंग हो सकता है। सोर थॉरेट यानी गले में खराश या सोथ उसको बोलते हैं, गले में खराश। एनल इचिंग,
एनस का जो पार्ट होता है वहां भी इचिंग हो सकता है इसके कारण। वोमेन में देखिए क्या लिखा हुआ है, मिल्की डिस्चार्ज होगा, इन्फेक्शन होगा, तो उसके वेजाइना के द्वारा उजला रंग का गाढ़ा द्रव निकलता है। वार्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन हो सकता है। लोअर एब्डोमिनल या बैक पेन, यानी कमर में दर्द रहेगा, बैक पेन, नोजिया एंड फीवर रहेगा, पेनफुल इंटरकोर्स होगा, इंटरकोर्स करने के समय उसमें पेन होगा, स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें रेगुलरिटी नहीं रहेगा, रेगुलर नहीं रहेगा, और सोर थ्रोट, एनल इचिंग, ये सब जो है इसका कुछ सिम्टम्स है जो कि कॉमन सिम्टम्स है। अब इसमें स्पेशली जो अब हम लोग बैक्टीरियल वायरल ये सब पढ़ेंगे, जिसमें सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब के बारे में पढ़ना है, HIV के बारे में पढ़ना है, तो अलग अलग अब जो है स्पेशल सिम्टम्स में बताया जाएगा। ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो कि आपको इसमें दिखाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इस STD से कैसे बचा जा सकता है। हालांकि कुछ STD को क्योर किया जा सकता है जो कि हम लोग चार्ट में देखे हैं, और तीन ऐसे STD हैं जो कि ठीक नहीं किए जा सकते हैं। तो जो ठीक नहीं किए जा सकते हैं उससे तो थोड़ा डरना पड़ेगा, जो ठीक हो सकता है उससे चलिए कुछ ट्रीटमेंट के बाद हो जाएगा, लेकिन जो नहीं ठीक होने वाला है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, HIV एड्स है, तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि यह जो STD से जो बचाव करने का जो मेन टाइम है वह है कब, 15 से 24 साल का जो समय होता है बच्चों में, उसी में ये बचने का सही टाइम है, प्रिवेंशन करने का सही टाइम है। इसी में रिकॉर्ड ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड किया गया है कि 15 से 24 साल के बच्चों में ये जो है प्रिवेंशन करने का ये खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन नो रीजन टू पैनिक, यानी पैनिक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज पॉसिबल, ट्रीटमेंट हो चाहे ना हो लेकिन प्रिवेंशन पॉसिबल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या प्रिंसिपल है इसका, ये जो प्रिवेंशन का जो सिंपल प्रिंसिपल है, तीन प्रिंसिपल है प्रिवेंशन का। एक है अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स या इंटरकोर्स या क्वाइटस नहीं करना है। अगर करना भी है तो उसमें हम लोग देखे हैं कंडोम्स का यूज किया जाता है, जो कंडोम्स का दो फायदा बता चुके हैं कि एक तो कंसेप्शन को रोकता है और दूसरा STD को भी प्रिवेंट करता है। तो ये ध्यान में रखना है इसमें कि अननोन पार्टनर्स के साथ या मल्टीपल पार्टनर्स को यहाँ पर अवॉइड करना है। उसके बाद देखिए, हाँ देखिए, दूसरा पॉइंट में आ गया कि कंडोम्स हमेशा जो है कॉन्डोम्स का यूज करना है जो कि STD से प्रिवेंशन करता है। और थर्ड क्या हो गया कि अगर इस तरह के सिम्टम्स जो हम लोग अर्ली सिम्टम्स में ईचिंग, स्वेलिंग, ये सब जो हम लोग देखे हैं, अगर उस तरह का सिम्टम्स आता है तो डॉक्टर के पास जा करके जांच कराना है, और जांच करा करके उसका डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट कराना है, ठीक ना। तो ये सी तीन प्रिंसिपल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, STD से बच सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, तो इनफर्टिलिटी यानी फर्टिलिटी का उल्टा, यानी बांझपन या बंध्यता, हिंदी में उसको कहा जाता है बांझपन। बांझपन का मतलब हो गया क्या कि इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। मतलब कि जो पेरेंट्स हैं या जो कपल्स हैं, अगर वो 2 साल तक बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड के साथ साथ रहते हैं, क्वाइटस करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, फिर भी अगर कोई संतान उत्पन्न नहीं होता है तो इसी को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। समझ गए क्या होता है इनफर्टिलिटी, तो बांझपन उसको कहा जाता है। क्यों होता है, तो 2 साल तक अगर कोई पेरेंट्स
बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर साथ में रहते हैं अब फिर भी नहीं होता है संतान, तो इसी को इंपॉर्ट। अब कहता है कारण क्या है, तो कारण क्या है कि जैसे फिजिकल कारण हो सकता है, फिजिकल कारण का मतलब कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में कोई डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस है, तनाव की स्थिति में जो हार्मोन्स ओवुलेशन के लिए या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सिक्रीट होता है वो नहीं हो रहा हो, तो इस तरह का हो सकता है। उसके बाद कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल का मतलब जन्मजात अगर कोई उसमें बीमारी हो, डिफेक्टिव आ गया हो, तो उसमें इस तरह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद ड्रग्स, कोई दवा लेने से इस तरह से उसका साइड इफेक्ट हुआ कि वो क्या किया कि इनफर्टिलिटी को जन्म दे दिया दवा लेने के कारण साइड इफेक्ट से। और इम्यूनोलॉजिकल यानी हमारा प्रतिरक्षी तंत्र जो है इम्यूनिटी कभी कभी सेल्फ इम्यूनिटी कर लेता है, यानी अपने ही सेल्स को, या जो जैसे मान लीजिए कि फीमेल्स में स्पर्म जा रहा है तो WBC जो है वो स्पर्म को खा जाएगा, मार देगा, यानी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो ये क्या हुआ, तो कैसे वो कंसीव करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सब कारण हो सकता है। अब कहता है कि मेल में कौन से कारण हो सकते हैं और फीमेल में क्या, ये तो जनरल कारण, ये सब फैक्टर हो गया। इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मेल्स के कारण भी हो सकता है और फीमेल के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे मेल में क्या है कि मेल में क्या कारण है कि जैसे ओलिगो स्पर्मिया, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और स्पर्मिया का मतलब स्पर्म, यानी लो स्पर्म्स काउंट। हम लोग जानते हैं कि एक इजाकुलेशन में 3 से 4 ml सीमेन में लगभग आपको 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर उसका काउंट कम होगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म, यानी टेस्टिस में अगर कोई STD इन्फेक्शन कर गया, अभी पढ़े हैं कि टेस्टिस में स्वेलिंग हो जाएगा या इन्फेक्शन हो जाएगा तो स्पर्म को बनने नहीं देगा, तो ये स्पर्मिया, ये जो स्पर्मिया हो गया। एस्थेनोजियोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म मोटिलिटी, जितना स्पीड होना चाहिए स्पर्म को पहुंचने में, जो कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं क्या स्पीड होता है, तो स्पीड जहाँ स्लो हुआ तब तक ओवम जो है वहाँ पर वेट करते करते और मर जाएगा, और इसको पहुँचते पहुँचते समय लग जाएगा, जितना टाइम में पहुंचना चाहिए उतना टाइम में फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा। कहता है अब इसके बाद फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स, फीमेल्स में क्या हो सकता है, तो फीमेल्स में आपको एन ओवुलेशन, जैसे कि लो स्पर्म काउंट है, यानी नॉन ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, या रुक रुक करके होगा, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, उस बीच में स्पर्म नहीं पहुंच पाया तो इनफर्टिलिटी हो गया। तो ये सब जो है कारण है। अब कहता है मिथ्स क्या है इनफर्टिलिटी का। जनरली हमारे इंडिया में तुरंत फीमेल को दोषी करार दे दिया जाता है, इन इंडिया फीमेल्स आर इज ब्लेम्ड, ब्लेम कर दिया जाता है कि उसी में कुछ ऐसा है जो उसमें इनफर्टिलिटी हो गया, लेकिन बट मोर ऑफन डैट नॉट द प्रॉब्लम इज इन द मेल पार्टनर, यानी मेल पार्टनर में भी ये सब हो सकता है जिसके कारण फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो यह जो है मिथ है इनफर्टिलिटी का, तो इसको ठीक करना है, मिथ को ठीक करना है, तब उस ठीक कैसे होगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारा आजकल जो है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, डॉक्टर ये सब जो है अपना क्लिनिक खोले हुए हैं जो इस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, करेक्टिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इसके करेक्शन के लिए आपको तरह तरह के इसमें सलाह दे रहे हैं, असिस्टेड, जिसको हम लोग कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART कहा जाता है इसे। तो ART का मतलब कि जो कपल्स
इनफर्टाइल हैं, जिनमें ये परेशानी है, ये सब परेशानी है, तो उसको ये डॉक्टर जो है अपना सलाह से उसको ठीक कर सकते हैं, करते हैं, और उसको ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है आर्ट, यानी ये एक ऐसा टेक्निक है जो किसको एडवाइस किया जा रहा है, कपल्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आप इस टेक्निक को अपनाइए, ठीक ना। पहले तो इसको ठीक करने के लिए दवा इत्यादि दिया जाएगा, अगर ये ठीक नहीं होगा तब दूसरा टेक्नोलॉजी जो है इसमें आर्ट में बताया गया है असिस्टेड, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप सुने होंगे टेस्टिव बेबी प्रोग्राम के बारे में, टेस्टिव बेबी के द्वारा उसमें उसको ठीक किया जाता है। तो यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्ट क्या है और ये कितने तरह से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए जो ये आपको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं, तो अभी बताया है कि आर्ट के द्वारा। तो आर्ट आर्ट क्या है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, यानी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम माने ये फर्टिलिटी को दूर करने के लिए कपल्स को, इनफर्टाइल कपल्स को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। अब इसमें दो तरह का आर्ट टेक्नोलॉजी दिया गया है, फर्स्ट हो गया टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF followed by embryo transfer, ये हो गया in vitro। In vitro का मतलब हो गया कि sperm और ovum को शरीर से बाहर निकाल करके उसको fertilization कराना। देखिए उस डायग्राम में बताया जा रहा है कि किस तरह से sperm को बाहर निकाल करके, या तो उसके हस्बैंड का या जो डोनर होते हैं उसका निकाल करके, प्लस ओभम को भी निकाल करके, और दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में दोनों को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है लेबोरेटरी कंडीशन में, हाइजेनिक कंडीशन में ये सब होता है। तो उसमें करने के बाद फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज करने के बाद जब जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो में रहेगा या लेट एम्ब्रियो में रहेगा, अर्ली एम्ब्रियो का मतलब कि 8 सेल जब उसका ब्लास्टोमियर डिवाइड होता है, जायगोट 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे डिवाइड होता है, तो जब वो डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद उसको क्या किया जाएगा कि अर्ली स्टेज में अगर एम्ब्रियो होगा जायगोट तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, जिफ्ट उसको कहा जाता है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी उस जायगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इसको क्या पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसका जो स्टडी किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इसका स्टडी किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि यह जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसमें दो प्रकार से हो गया, एक हो गया क्या जिसको हम लोग कहते हैं जिफ्ट, जिफ्ट का मतलब हो गया जाइगोट, जो भी फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर कराया गया है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना है, तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में कर देना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और सेकेंड जो प्रोसेस है, अगर लेट एम्ब्रियो हो गया, लेट एम्ब्रियो का मतलब कि 8 के बाद, जैसे 8 सेल के बाद 16 और 32 होता है तो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो मान लिया कि अब वो जायगोट ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, तो ब्लास्टोसिस्ट तो आपको आप कहाँ रहेगा, उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, तो इंडोमेट्रियम में होगा, तो उसके लिए बनाया गया है क्या टर्म, IUT मतलब इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर इसको कहा गया है। तो ये दो तरह से देख रखते हैं, जैसे कि ये जिफ्ट का देखिए, जिफ्ट में देखिएगा कि जायगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, देखिए फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से
फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पर इनफंडिबुलम होता है वहाँ से इंजेक्शन के द्वारा वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कहाँ ओविडक्ट है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिफ्ट कहेंगे। और ये जो IUT है, IUT कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो लेट एम्ब्रियो होता है, जैसे 8 सेल के बाद, 8 ब्लास्टोमियर के बाद का जो होता है उसको ट्रांसफ़र देखिएगा कि ये वेजाइना के द्वारा, इस डायग्राम में वेजाइना के द्वारा उसको यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो यह हो गया क्या, इन विट्रो में। अब कहता है कि कभी कभी इन विट्रो के पहले इन वीवो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, मतलब शरीर के अंदर उसको सीमेन को या दूसरे का ओभम ले करके डोनर का, जैसे सेरोगेट मदर होता है तो सेरोगेट मदर में दूसरे का ओभम ले करके और स्पर्म को AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके द्वारा उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। तो सेकेंड टाइप का हो जाएगा जिसको कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, इसमें एक जो टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गिफ्ट कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर जिफ्ट है और यहाँ पर क्या है, गिफ्ट है, दोनों में अंतर है। जिफ्ट का मतलब जायगोट को उसमें, इस इन विट्रो में क्या किया गया है कि शरीर के बाहर निकाल करके स्पर्म और ओवम को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया गया है, और तब वो जायगोट जब 8 सेल के पहले यानी प्रो एम्ब्रियो में रहता है, तब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहाँ, जायगोट फैलोपियन ट्यूब में। और जब वो 8 सेल के बाद का हो जाता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यूटेरस में। इसमें क्या करना है कि बाहर नहीं निकालना है, इसमें करना है क्या, देखिए वहाँ पर कि AI, अब इसमें जो टेक्निक है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें करना क्या है कि डोनर या हस्बैंड के जो सीमेन होते हैं वो अनेबल हैं, अनेबल टू इंसेमिनेट इन द फीमेल ट्रैक्ट, उसमें सक्षम नहीं है कि वो अपना सीमेन जो है वो फीमेल के गैमिट में फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ट्रांसफ़र कर दें। तो उसमें क्या किया जाता है कि उनके गैमिट को निकाल करके और इंजेक्शन के द्वारा, और उसको क्या किया जाता है, AI, पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, गिफ्ट का क्या फुल फॉर्म हो गया, तो गैमिट हो गया। अब वो गैमिट ओवम भी हो सकता है और स्पर्म भी हो सकता है, तो गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमिट यानी ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया है, और उसके बाद जो है उसमें AI का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे नेचुरल इंसेमिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्म को पेनिस के द्वारा वेजाइना में जब ट्रांसफर कर दी तो नेचुरल इंसेमिनेशन हो गया, और ये आर्टिफिशियल इंजेक्शन के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक ना। अब इसमें भी है क्या कि इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, इसमें भी है, इसका एक टेक्निक है IUI, यहाँ IUT है, यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इसमें सीमेन को क्या किया गया है, ट्रांसफर किया जा रहा है कहाँ, इंट्रा यूटेरिन यूटेरस में इसको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो IVFET है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी किस तरह से ये फर्टिलाइजेशन को कराया जाता है शरीर के बाहर, यानी ओवा ऑफ वाइफ या डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर, कोई भी हो सकता है, अगर हस्बैंड में स्पर्म नहीं बन रहा है तो किसी डोनर का ले करके और उसको क्या करते हैं,
जायगोट को वहाँ पर सिमुलेटेड कंडीशन में यानी फेवरेबल कंडीशन में अनुकूल स्थिति बना करके जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है यानी ओविडक्ट में जो होता है उस तरह का कंडीशन बना करके लेबोरेटरी में उसको फर्टिलाइज किया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है क्या, जायगोट। और जायगोट को अब ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, जिफ्ट, यानी जायगोट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। देखिए फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये कब होगा, 8 ब्लास्टोमियर से कम रहेगा तब तो। और 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा अगर का हो जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ पर IUT करेंगे, यानी यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कहता है कि किस मेथड के, तो IUT का भी देखिए वहाँ पर डायग्राम किस तरह से यूटेरस में डाला जा रहा है। उसके बाद मेथड क्या है, दोनों को स्पर्म को मिलाने के लिए, स्पर्म और ओवम को मिलाने के लिए कौन सा ऐसा मेथड लोग अपनाते हैं। तो एक हो गया कन्वेंशनल IVF, देखिए कन्वेंशनल IVF वर्सेस ICSI, यानी इसमें क्या होता है कि एक पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में क्या कहते हैं, स्पर्म्स लेते हैं और एक ओवम लेते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स और एक ओवम लिया जाएगा और उसको टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में रख करके और उसको फर्टिलाइजेशन करवाए। तो ये कन्वेंशनल हो गया। और फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ICSI, मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि देखिए एक साइड से जो है ओवम को पकड़े हुए है होल्डिंग पिपेट के द्वारा, पिपेट होता है, माइक्रो पिपेट होता है, माइक्रोस्कोप में ये सब काम चलता है। तो ओवम को माइक्रो पिपेट से पकड़ लिया जाता है और इंजेक्शन पिपेट के द्वारा एक स्पर्म को, इसमें बहुत सारे स्पर्म और एक ओवम को छोड़ दिया जाता है, इसमें जो है एक स्पर्म और एक ओवम को लेकर के उसमें इंजेक्शन के जैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को शरीर के बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में अनुकूल परिस्थिति में इसको किया जाता है, ठीक। अब इसका देखिएगा थोड़ा सा बड़ा करके डायग्राम देख लीजिएगा इसको कि कैसे हो रहा है। देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये आपको इधर से स्पर्म ओवम लिया जा रहा है, लेफ्ट साइड से एक नंबर में जो लिखा हुआ है वहाँ से स्पर्म ओवम को लिया जा रहा है। और ओवम को लेने के बाद यहाँ देखिए टेस्ट ट्यूब में स्पर्म लिया गया, उसको दोनों को मिला दिया जा रहा है। चार नंबर में देखिए पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन, यानी ये कन्वेंशनल चल रहा है। और जब जायगोट बन जाता है तो जायगोट 2 सेल 4 सेल 8 सेल का हो जाता है, उसके बाद ही वो जो है या तो उसको जिफ्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा या तो यूटेरस में किया जाएगा, है ना। इस डायग्राम में देखिए कि ये जो है जिफ्ट हो रहा है, जिफ्ट में देखिए कि किस तरह से फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक, इस डायग्राम में देखिएगा कि जो IUT है यानी जो एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो 8 सेल से ज़्यादा का हो गया है उसको इंजेक्शन के द्वारा देखिए यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखिएगा कि अब नेक्स्ट डायग्राम में ये कन्वेंशनल IVF और ICSI राइट साइड में जो दिया गया है बी में कन्वेंशनल IVF है जिसमें वो साइट ओवम है और बहुत सारे स्पर्म है, वो अपने ही से पेट्री डिश में स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, तो वो कन्वेंशनल IVF हो गया। और ये लेफ्ट साइड में देखिएगा कि इधर माय होल्डिंग पिपेट है और होल्डिंग पिपेट से वो साइट को पकड़ लिया गया है, और एक देखिएगा इंजेक्शन पिपेट है, इंजेक्शन पिपेट के द्वारा उसमें एक स्पर्म को इंटर कराया जा रहा है। तो यह हो गया क्या, ICSI इसको कहा जाता है। देखिए एक डायग्राम यहाँ पर ICSI का और है कि स्पर्म जो है वो ओवरी से वो साइड कलेक्शन किया गया है और स्पर्म कलेक्शन करके, और दोनों को देखिए चार नंबर डायग्राम जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर
स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया है। इंजेक्ट करने के बाद एक सेल जायगोट बना, जायगोट के बाद 2, 4, 8 बना, एम्ब्रियो बना, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया गया यूटेरस में या फैलोपियन ट्यूब में। तो यह जो है आपको दिया गया है इतना। अब हम लोग देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन का, यानी अब शरीर के अंदर में कैसे फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है, कौन से टेक्निक अपनाए जाते हैं। सो लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी कभी कभी सरोगेट मदर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें ये टेक्निक है कि गैमिट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उसमें दिया गया है कि गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब हो गया कि गैमिट को ट्रांसफ़र करना है, और गैमिट को ट्रांसफ़र करना कहाँ है कि दूसरे फीमेल से ओवम को ले करके, जो अनेबल है वो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा फीटस का, तब उसके ओवम को लेकर के दूसरे फीमेल में उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया, और फैलोपियन ट्यूब में डालने के बाद और तब आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन या ये जो इंसेमिनेशन है वो किया जाएगा। तो ये सरोगेट मदर में इस तरह से होता है, और AI जो है वही टेक्निक है कि जब मेल पार्टनर इनेबल टू इंसेमिनेट, असक्षम है सीमेन को डालने में स्पर्म को, तब या उसका स्पर्म काउंट कम है, तो किसी डोनर से लेकर के उसको AI मेथड के द्वारा, यानी उसमें IUI यानी इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन किया जाएगा, जिसमें क्या है कि स्पर्म्स कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड या डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना या यूटेरस ऑफ फीमेल, किसी का लेकर के, और या हस्बैंड का जो कि सक्षम नहीं है अपने से डालने करने में, इंसेमिनेट करने में, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब है क्या इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। अब कहता है कंक्लूजन क्या निकल रहा है इसमें, तो यह क्या है कि जितने भी टेक्निक सभी पढ़े हैं ये बहुत ही रिक्वायर एक्सट्रीमली हाईली एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला है, ये लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं इसमें। दूसरा क्या है कि हाई प्रिसीजन हैंडलिंग ऑफ डॉक्टर्स, यानी काफ़ी डॉक्टर के द्वारा उसमें शुद्धता, माने कि उसके हैंडलिंग में बहुत अपरेटस लगते हैं, बहुत तरह का शुद्धता उसमें किया जाता है, प्लस इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल इसमें आते हैं, सीमेन बैंक से स्पर्म लेना है तो किस कैसा है नहीं है, तो इस तरह के ये सब फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं। तब ये सब से बचने के लिए इंडिया में इस टेक्निक का एक अल्टीमेट बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि लीगल एडॉप्शन कर सकते हैं जो ऑर्फेन बच्चे हैं या डिस्ट्यूट बच्चे होते हैं, अनाथ बच्चे, उन बच्चे को गोद लेने का, एडॉप्ट करने का एक लीगल है, जो कि सबसे सस्ता मेथड है, जो बच्चे चाहते हैं, जो इनफर्टाइल कपल जिनको संतान नहीं हो रहा है, सक्षम नहीं है इस तरह का मेथड अपनाने में, बहुत खर्चीला है, इमोशनल बिहेवियरल ये सब, तब उनको हमारा जो कानून है वो इस तरह का मान्यता देता है। तो इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो गया। इसमें वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे।